अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, मैं इस तरह से आप लोगों के सामने हूँ और हम इस तरह से इंशाल्लाह व्लॉग्स बनाते रहेंगे, आगे इंट्रोड्यूस करते रहेंगे नई नई चीज़ों को, नए नए टॉपिक्स को और कुछ नई नई डिस्कशंस को। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, आई एम बेटी, आई एम अ वर्किंग वूमेन एंड आई एम अ हाउस वाइफ ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब इस चैनल को हम इस तरह से लेके चलेंगे कि ये मोस्टली हम इसके इसमें जो जस्ट समझिए कि जिस पॉपुलेशन को और जिस एज को और जिस सेंट्री को और जिसको भी टारगेट करेंगे वो होंगे जो कि अपने घर के साथ साथ, फैमिली के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ, रिलेटिव्स के साथ साथ और जॉब को भी मैनेज करके चल रही हैं, ठीक है। तो मे बी कि मेरा पहला ब्लॉग है तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ या मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट बात ना कर पा रही हूँ आपसे, बट आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि फैमिली की तरह से हम इस चैनल को मूव करें और हम एक दूसरे से इसी तरह का इशारे राय करते रहें कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कुछ डिस्कशन के साथ हल निकालें। अच्छा, वर्किंग वूमेंस की लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो वर्किंग वूमेंस की लाइफ नस्बतन हाउस वाइफ के टफ होती है, मगर अगर कंपैरिजन देखा जाए तो मज़ीद मैनेज होती है। मैनेज किस तरह से होती है कि हमारा रेस्ट टाइम कम होता है, हमारी स्पीड ज़्यादा होती है काम करने को, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी पूरा कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि अगर एक आध काम है तो पहले हम रेस्ट कर लेते हैं, पहले हम अपने आप को टाइम दे लेते हैं, पहले हम अपनी प्रायोरिटीज़ को देख लेते हैं या अपना इंटरेस्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है, खाना बनाना है या कहीं जाना है या कहीं आना है कुछ। जॉब वाली फीमेल्स का होता यह है कि उनका सबसे पहले अपना देखना, अपना अपने ही देखते हुए सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास काम कम कम कैसे है, हमें अपने वार्डरोब मेंटेन रखनी है, हमें अपने बच्चों की चीज़ें मेंटेन रखनी है, हमें अपने हस्बैंड की चीज़ें मेंटेन रखनी है, हमें ये प्लान करके रखना है आज क्या बनाना है, कल क्या बनाना है, इस वीक में अगर कहीं जाना है तो जहाँ जाना है अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन हमें वहाँ पर क्या देना है, कैसा रहना है, कैसा आना है, तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। अब मेरी जॉब नेचर क्या है और अगर कुछ चाइल्डहुड से लेके और कुछ सोसाइटीज़ से लेके, कुछ फीमेल्स को लेके, कुछ बच्चों को लेके छोटे छोटे इश्यूज़ हैं जिन पे हम बात करेंगे, मैं आप लोगों से सीखूंगी, हो सकता है मेरी किसी बात से आप लोगों को फ़ायदा हो। तो हम इसी तरह से ब्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे से इजहार राय करेंगे। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग मुझे बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं मज़ीद किस तरह से बेहतरी ला सकती हूँ अपने ब्लॉग्स में और कोशिश करेंगे कि हम इस रिलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से पॉजिटिव बढ़ाएं। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है भाइयों से जो भी ये चैनल देख रहे होंगे कि काइंडली मैं किसी भी जेंडर को लेके कि औरत वाला ये लेके या मर्द वाला लेके किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, ना ही मेरा करने का कोई ऐसा इरादा है। हम सिर्फ जनरल टॉपिक्स पे बात करेंगे और जनरल टॉपिक्स को ही आगे लेके जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की। स्ट्रेस मैनेजमेंट का शिकार आजकल एक छोटा सा बच्चा भी है, यूथ भी है, पेरेंट्स भी हैं और उसके अलावा जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो भी हैं। ये एक ऐसी बीमारी हो गई है कोरोना की तरह की कि जो एक के बाद जिसको भी देखिए फैलती जा रही है, लगती जा रही है, बढ़ती जा रही है और हम सब इसका शिकार हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है, स्ट्रेस को रोकना ज़रूरी क्यों है, इसके साथ ज़िंदगी गुजारना क्यों ख़तरनाक है, हम इस तरह के टॉपिक्स पे इस वीक हम बात करेंगे इंशाल्लाह। और स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ आपको एक्टिविटीज़ बताई जाएंगी कि हम किस तरह से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, हम किस तरह से कम स्ट्रेस के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि हमारे इकोनॉमी हालात इस तरह के हैं, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के। सो इस वक्त मैं अपने ऑफिस में हूँ और काम के साथ साथ कुछ चैट्स भी चल रही हैं। आज कुछ मेरे पास फ्री टाइम था तो मैंने सोचा कि आप सबसे बातें की जाएँ। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ तो हम रह ही रहे हैं, लेकिन बिलीव मी इसके बगैर भी रहा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो इससे आपको ये चीज़ बचाएगी, थोड़ा सा आपको अपने आप को ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि जो होना है वो होके रहना है हर हाल में। हम किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, हम किसी भी चीज़ का इख्तियार नहीं रखते, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है।
ठीक है, अगर अल्लाह ना करे हमारी ज़िंदगी में कोई आजमाइश है तो वो होनी है, वो आनी है और हमें फेस करनी है। तो जब कोई चीज़ हमारे अख्तियार में ही नहीं है तो हम उसकी टेंशन कैसे ले सकते हैं? हमें उसकी टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए, हमें इस चीज़ का पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे हक़ में जो भी करेंगे बहुत बेहतर करेंगे। क्या चीज़ हमारे हक़ में बेहतर है, अल्लाह ताला हमेशा हमें उम्मीद देते हैं, और क्या चीज़ हमारे हक़ में बेहतर नहीं है, अल्लाह ताला वो हमसे दूर कर देते हैं और हम उसकी दुआएँ करते रहते हैं, हम उससे मांगते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ सोच लें कि कुछ भी हमारे अख्तियार में नहीं है, और वंस जब हमारे अख्तियार में कुछ नहीं होता तो हम बहुत सुकून में आ जाते हैं सोचने के बाद कि हमारे अख्तियार में ही नहीं है, सभी काम हमारे अख्तियार में नहीं है, तो फिर उसकी टेंशन कैसी, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो एक चीज़ की आज हम प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले कि हमारे इख्तियार में नहीं है, हमारा काम नहीं है, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। ये हमारा नसीब है कि अगर हम अमीर हैं, अगर हम गरीब हैं, अगर हम किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अगर हम कोई चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर हम बहुत तकलीफ़ में हैं किसी भी रवैये को लेके, किसी भी सिचुएशन को लेके, तो वो हमारे इख्तियार में नहीं है जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेंगे। तो जब हमारा ईमान स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऑटोमेटिकली आधी स्ट्रेस तो आपकी वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो आज की हम ये फर्स्ट प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रैक्टिस के बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ आएँगे।